हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो लास्ट दो वीडियो में हम लोग ने देखा था कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है और इनकम टैक्स कैसे रन होता है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड होता है, उसके कंपोनेंट्स हम लोग ने देखे थे। अब हम देखेंगे कि रूल्स कौन कौन से बनाए हैं उसको इंटरप्रिट करने के लिए। मतलब जो इनकम टैक्स है उसके अंदर बहुत सारे लॉज हैं, प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को आपको क्या करना है, रीड करना है। तो रीड करना पड़ेगा तो आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा ना, आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा इसका मकसद क्या है। तो उसके लिए बहुत सारे रूल्स हैं। तो कौन कौन से रूल्स इनकम टैक्स के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने के लिए होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि जो रूल्स हैं ना, दीज रूल्स आर द प्रिंसिपल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ लॉ। जो लॉ में आपने प्रोविजन बनाया, जो इनकम टैक्स में आपने प्रोविजन बनाया है उसको इंटरप्रिट करना है तो उसके बहुत सारे प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, बहुत सारे रूल्स हैं। तो दीज आर द रूल्स। और यू ये रूल्स क्या होते हैं, दे आर नॉट स्टैटिक, मतलब फिक्स नहीं है, चेंज होते रहते हैं। ये रूल क्या होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, कोई प्रॉब्लम आया था जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया, तो उस बेसिस पे उसका प्रोविजन चेंज हो जाता है। आई बात समझ में ले, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई ऑर्डर, कोई रूल है, कोई प्रोविजन दिया है, प्रोविजन दिया है कि भाई आप अगर पेमेंट करोगे कैश में, अगर आपने पेमेंट किया किस में, कैश में पेमेंट किया, तो आपको 20,000 पेमेंट किया कैश में, तो ये आपको बिजनेस में एज ए एक्सपेंस दिखा नहीं सकते आप। इसका ये मतलब होता है कि अगर आपने कैश में स्पेंड किया 20,000 या उससे ज़्यादा, तो आपको ये खर्चा दिखाने नहीं मिलेगा। मतलब आपने खर्चा तो कर लिया, बिजनेस के लिए कर लिया, लेकिन कैश में क्या, तो कैश का खर्चा अलाउड नहीं है। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, 18,000 स्पेंड कर रहे हैं, 19,000 स्पेंड कर रहे हैं, 19,500 स्पेंड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को लगा, अरे यार ये तो इसका बेनिफिट उठाने लगे, 20,000 हम लोग ने बोला है तो 18,000 कैश में दे रहे, तो 18,000 तो बिजनेस में अलाउड होगा ना। तो गवर्नमेंट ने एक रूल लेके आ गया कि अब ये 20,000 नहीं, अब जो भी 10,000 कैश में स्पेंड करेगा वो खर्चा हम लोग बिजनेस में नहीं दिखाएंगे। तो चेंज हो गया ना, पहले रूल क्या बना था कि 20,000 तक अलाउड होगा, लेकिन अब चेंज हो गया 10,000। तो ये स्टैटिक नहीं होता है रूल, ये चेंज होता रहता है विद द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या, ऑब्जेक्टिव क्या होता है रूल्स का, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रूल्स आर टू फाइंड द रियल इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर। जिन्होंने भी ये लॉ बनाया है, तो गवर्नमेंट ने बनाया है, तो गवर्नमेंट का इन रूल के पीछे, मतलब इस प्रोविजन के पीछे, इस टैक्स के पीछे, इस एक्ट के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को रूल की ज़रूरत पड़ती है। आई बात समझ में, यस और नो? तो ये तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये स्टैटिक नहीं होते, फिक्स नहीं होते, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि रियल इंटेंशन क्या है कि भाई हम लोग ने ये लॉ क्यों लेके आया, उसका इंटेंशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। अब कौन कौन से रूल है वो हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो रूल है, रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन। ये रूल क्या बोलता है कि जो जज लोग होंगे ना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, दे डू नॉट लेजिस्लेट, दे ओनली इंटरप्रिट लॉ। ये एक मतलब ऐसा फ्रेज बनाया गया है, जो जज बैठे होंगे, कहीं के भी जज होंगे, वो लॉ डू नॉट लेजिस्लेट, वो सिर्फ इंटरप्रिट करेंगे। लॉ तो पहले बन चुका है, तो आप एक नया लॉ नहीं जोड़ना उसमें, आप उसको रीड करो और उस रीडिंग से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, उस रीडिंग से आप क्या समझते हो वो बताओ। अपना कोई लॉ मत ऐड कर दो वहाँ पे, अपना कोई लॉ लेजिस्लेट मत करो। आई बात समझ में? तो रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि सिर्फ उसको रीड करो, रीड करने पे आपको क्या समझ में आता वो बताओ। दैट इज कॉल्ड ओनली इंटरप्रेट लॉ। इसलिए बोला गया है सेकेंड पॉइंट में, द अटेंशन मस्ट बी गिवन ऑन व्हाट हैज़ बीन सेड, नथिंग मोर। जो बोला गया है उसके ऊपर फोकस करो, जो नहीं बोला है उसके ऊपर फोकस मत करो। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 20,000 की जगह अब 10,000 कैश में अलाउड होगा, तो अब इंटेंशन 10,000 के ऊपर ही फोकस होना चाहिए और किसी चीज़ पे फोकस नहीं होना चाहिए। एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट इज अलाउड एज अ डिडक्शन इवन इफ द सच इन्वेस्टमेंट डज नॉट जनरेट एनी इनकम। आपने इन्वेस्टमेंट किया, लोन लेके किया,
अब उस इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी इनकम नहीं मिली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो उस लोन पे आप इंटरेस्ट पे करोगे तो वो आपको एक्सपेंस के तौर पे माइनस करने नहीं मिलेगा। यस, मिलेगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि अगर आपने लोन लिया बिजनेस के लिए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट आपको माइनस करने मिलेगा। आई बात समझ में? तो आपको सिर्फ इंटरप्रिट करना है क्या लिखा है, क्या लिखा है वो बताओ, क्या नहीं लिखा है वो मत बताओ। तो पहला रूल जो इंटरप्रिटेशन का, इनकम टैक्स को इंटरप्रिट करने का, पहला ये, जो लिखा है उसके ऊपर फोकस करने का, जो नहीं लिखा है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। नेक्स्ट दिया है मिस्चिफ रूल। ये मिस्चिफ रूल बहुत ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग हेडन रूल भी बोलते हैं और परपोजिव कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। तो कॉमनली नोन एज हेडन रूल और परपोजिव कंस्ट्रक्शन। ये क्या बोलता है, ये कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रोविजन ऑफ ए फ्यूचर पोजीशन ऑफ ए फ्यूचर प्रोविजन, जो आप प्रोविजन लाना चाहते हो फ्यूचर में उसका पोजीशन क्या है, मतलब उसके अंदर ये नया प्रोविजन, जैसे मैंने आपको बोला था 20,000 कैश में अलाउड था, अब 10,000 कर दिया, तो 10,000 ही क्यों, तो 10,000 क्यों, 15,000 क्यों नहीं, 12,000 क्यों नहीं, सीधा 10,000 क्यों? तो पहले ये फाइंड आउट करो कि पहले से ये जो फ्यूचर प्रोविजन आप कर रहे हो उसका पोजीशन क्या होगा, 10,000 बराबर रहेगा या 5,000 करना चाहिए या 2,000 करना चाहिए, ये पहले पोजीशन फाइंड आउट करके देखो। क्योंकि 20,000 रखा था कैश में तो सब लोग 18,000-19,000 करके अपना काम चला रहे थे, लेकिन अब 10,000 किया तो क्या कैश में इन्वॉल्वमेंट कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके ऊपर फोकस करो। तो पोजीशन ऑफ ए फ्यूचर प्रोविजन के ऊपर फोकस करना है। दूसरा, व्हाट वाज़ द पोजीशन बिफोर, पहले क्या पोजीशन थे, तो पहले प्रोविजन क्या थी, 20,000 की थी, और अब फ्यूचर में क्या करने वाले हो, 10 करने वाले हो, तो फिर ये चेक करो क्या पोजीशन था पहले, तो 20,000 अलाउड किया था, फिर देखने का व्हाट वाज द डिफेक्ट, तो डिफेक्ट ये था कि 20,000 अगर कैश में अलाउड करते थे तो हर कोई 18,000-19,000-19,500 स्पेंड कर रहा था कैश में और बिजनेस में खर्चा दिखा रहा था, तो ये डिफेक्ट था। तो ये डिफेक्ट को करने के लिए व्हाट इज द करंट रेमेडी, तो करंट उसको बचाने के लिए प्रोविजन के अंदर पहले से कुछ हम लोग ने इसका मतलब सोल्यूशन दिया था क्या, मतलब 20,000 पहले था ना, आप क्या करने वाले हो, पोजीशन पहले क्या थी, 20,000 की थी, अब फ्यूचर में उसको 10,000 करने वाले हो, तो डिफेक्ट क्या था इसमें कि 20,000 कर रहे थे तो लोग 18-19 रुपए खर्चा करके बिजनेस में दिखा रहे थे, तो आपको ये बताना है कि ये जो 20,000 पहले कर रहे थे तो इससे बचने के लिए आपके पास क्या सोल्यूशन था, ये बताओ। और ये सोल्यूशन प्रॉपर नहीं है तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा व्हाट वुड बी द इंटेंडेड इफेक्ट ऑफ द फ्यूचर प्रोविजन, फिर ये देखना पड़ेगा अगर करंट में कोई सोल्यूशन नहीं है तो फ्यूचर प्रोविजन जो ला रहे उसका इफेक्ट क्या होगा वो फाइंड आउट करो। तो मिस्चिफ रूल में ये होता है कि कोई भी प्रोविजन है तो आप सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो 20,000 वाला, ये करंट पोजिशन है, बराबर है, इस 10,000 से आपको कितने पे करना है, 20,000 को सॉरी 10,000 पे करना है, तो पहले ये चेक करो पोजीशन पहले की क्या थी, पहले ये चेक करना है कि फ्यूचर में क्या करने वाले हो, पहला स्टेप ये, तो 10,000 करने वाले हो, फिर ये चेक करो फ्यूचर में करने से पहले हमारी पोजीशन क्या थी, तो सेकंड ये करने का, फिर चेक करने का कि ये 20,000 लेके आया तो इससे क्या क्या डिफेक्ट आया और इससे बचने के लिए अपने पास क्या क्या सोल्यूशन है, वो थर्ड और फोर्थ पे जाएगा। आई बात समझ में? और फिर हम लोग को देखना है कि अगर ये प्रोविजन का बेनिफिट या आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो हम लोग फिर 10,000 को इम्प्लीमेंट कर देंगे फ्यूचर प्रोविजन को। तो ये आपका मिस्चिफ रूल है। तो ये हर एक प्रोविजन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, जो भी प्रोविजन में अगर प्रॉब्लम दिखता है तो दे विल अप्लाई हिडन रूल। और भी बहुत सारे रूल्स हैं, गोल्डन रूल, गोल्डन रूल इज ए मिडल मैन, ये क्या करता है, इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन लिटरल मीनिंग और मिस्चिफ रूल, दोनों रूल अभी मैंने बताया आपको, उन दोनों के बीच का, जब जरूरत होगी जितना लिखा है उतने के ऊपर फोकस करेंगे, जब जरूरत होगी तो फाइंड आउट करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, इन दोनों को कंसिडर करके हम लोग नया प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हैं। तो दिस इज द मिडल मैन, तो ये फोकस करता है बोथ प्लेन मीनिंग और ये चेक करता है कि कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया है। प्लेन मीनिंग मतलब लिटरल मीनिंग, सिर्फ रीड करो और फाइंड आउट करो, और मिस्चिफ रूल में क्या है, पूरा कॉन्टेक्स्ट देखता है, पहले क्या था, बाद में क्या होगा, पहले का क्या इफेक्ट है, बाद वाले का क्या इफेक्ट है, वो सब चेक करता है। तो दिस इज द गोल्डन रूल। पहला रूल क्या था,
कॉम्प्रोमाइज लिटरल इंटरप्रिटेशन, दूसरा क्या था मिसचीफ, तीसरा है गोल्डन रूल। नेक्स्ट क्या है रूल ऑफ हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एंटायर स्टैट्यूट मस्ट बी रीड एज ए होल, पूरे लॉ को आपको एक साथ रीड करना, एक साथ इन द सेंस पूरे पेजेस को एक साथ नहीं, जो भी आपने पहले पढ़ा था जैसे सेक्शन होते हैं, ठीक है तो सेक्शन वन दिया है, सेक्शन टू दिया है, तो सेक्शन थ्री दिया है, तो सेक्शन थ्री पढ़ोगे तो पहले से पता होना चाहिए सेक्शन वन और टू में क्या दिया है, तो यू हैव टू रीड एज ए होल, पूरा एक साथ पढ़ना पड़ेगा आपको, एक को भी आइसोलेट में मत पढ़ो, अलग करके मत पढ़ो तो नहीं समझेगा। तो ऑल पार्ट ऑफ द सेक्शन शुड बी रीड हारमोनियसली, मतलब एक साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये प्रोविजन का इंटेंशन क्या है। आई बात समझ में, यस और नो। नेक्स्ट देखो क्या है, अब छोटा छोटा है रूल प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कभी कभी आप रीड करते ना तो उसका दो तीन मीनिंग आता है ना। अभी जैसे मैं एक वर्ड बोलता हूँ क्या, एक नॉर्मल बोला क्या तो पूछ रहा है क्या, इट्स ओके क्या, एकदम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो जाता है यार क्या क्या हो गया, है ना, मतलब वर्ड तो एक ही है लेकिन उसका दो तीन मीनिंग आ रहा है। तो यही यहाँ पे बताया प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन में कि अगर एक से ज़्यादा उसका इंटरप्रिटेशन निकल रहा है तो जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है वो लो। हो सकता है एक प्रोविजन को पढ़ते तो दो उसके ऑप्शन निकलते, तो जो ऑप्शन बेनिफिशियल होगा उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। आई बात समझ में, अब कुछ वर्ड्स आएंगे जरा ध्यान से देखना। रूल ऑफ जस्टडम जेनेरिस, इसका मतलब ये होता है ऑफ द सेम काइंड, मतलब वर्ड शुड नॉट एक्सटेंड इट्स इफेक्ट बियॉन्ड इट्स सब्जेक्ट। अब हम लोग समझो क्या कर रहे हैं, इनकम टैक्स के प्रोविजन पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग ने कोई वर्ड को लिया, वर्ड को लिया तो हमें ये वर्ड को, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक वर्ड आया पर्सन, अब पर्सन कोई भी हो सकता है लेकिन ये पर्सन को हम लोग को देखना पड़ेगा इनकम टैक्स में क्या बोला गया है। आई बात समझ में, तो वर्ड शुड नॉट एक्सटेंड इट्स इफेक्ट बियॉन्ड इट्स सब्जेक्ट। आई बात समझ में, तो पर्सन का जो भी मीनिंग होगा उसको हम लोग को इनकम टैक्स की बाउंड्री में रह के इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ऑफ द सेम काइंड, पर्सन का दूसरा मतलब भी हो सकता है दूसरे लॉ में, लेकिन हम लोग को सिर्फ कंसिडर करना है जिसके अंदर ये पर्सन को बोला गया, दैट इज इनकम टैक्स। इसका मतलब होता है जस्ट डैम जेनेरिस। आई बात समझ में, यस और नो। फिर दूसरा देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ नोटर एसोसिएट्स। तो नोटर एसोसिएट्स का मतलब होता है मीनिंग ऑफ अनक्लियर वर्ड। ये थोड़े अलग वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड नहीं है ये, तो ये दूसरे के लॉ से उठाए गए वर्ड है। तो इनका ये मतलब होता है कि जो भी अनक्लियर वर्ड होंगे, फ्रेजेज होंगी, उनको डिटरमाइन करने का कि उसके आसपास वाले चीज़ें कौन सी हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है जो कोई क्लास में पढ़ता है, अब ये बंदा मिस्टर ए है, बराबर है, मिस्टर ए बहुत ज़्यादा अच्छा बंदा है जो 75-85% मार्क्स लाता है। अब ये कोई क्लास में पढ़ता है, अब उसी क्लास में मिस्टर बी भी पढ़ता है कोई दूसरा स्टूडेंट। अगर मैं बोलूँ ये मिस्टर बी का नेचर कैसा है, तो आप बोलेंगे यार ये क्लास के अंदर सब बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, तो आप क्या सोचते हो मिस्टर बी भी अच्छा ही पढ़ता होगा क्योंकि उस क्लास के अंदर सब बच्चों का परसेंटेज 75-85 आता है। तो ये क्या बोला गया है, इस वर्ड का मतलब कि जो भी अनक्लियर वर्ड होंगी या फ्रेजेज होंगी उनको डिटरमाइन करने के कि उसके आसपास और इमीडिएटली क्या क्या वर्ड्स हैं उससे उनका मीनिंग लेना है। जैसे एक वर्ड आता है टेक्निकल, बराबर है, एक वर्ड आता है टेक्निकल सर्विसेज और एक आता है मैनेजरियल सर्विसेज। टेक्निकल सर्विसेज आपको मैं बता दूँ, जैसे ये क्लाउड डेटा होता है, मतलब कोई आपको HR के फंक्शंस दे रहा है बाहर बैठ के, टेक्निकल है किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी कटनी चाहिए, तो आप उसको मैन्युअली नहीं कर रहे हो, आप थ्रू टेक्निकल सर्विस बाहर वाले से आप सर्विस ले रहे हो, तो वो टेक्निकल है, हमें नहीं आता है, हम किसी एक्सपर्ट से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो उसमें क्या है, टेक्निकल में रिलेटेड टू IT भी है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और रिलेटेड टू ह्यूमन भी है क्योंकि ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है। तो ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेक्निकल। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ मैनेजीरियल, तो मैनेजीरियल में कोई टेक्निकल नहीं आता। मैनेजीरियल जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे को कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या नहीं करना है, तो मैं उससे जाके पूछूंगा सामने वाले से कि भाई मुझे ये बिजनेस स्टार्ट करना है क्या, मैं कर सकता हूँ क्या, तो पूछेगा आपसे कितना इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इसमें सिर्फ ह्यूमन नेचर है,
इसमें कोई टेक्निकल वो नहीं है, जैसे इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को यूज नहीं हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो टेक्निकल वर्ड है इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन होता है? अब आप एक सर्विस लो, एक एयरटेल का केस आया था इनकम टैक्स के पास। एयरटेल वाले को ये बोला गया था कि जो आप ये सर्विस दे रहे हो, कौन सा इंटरकनेक्टर, इंटरकनेक्शन और पोर्ट सर्विसेज, पोर्ट एक्सेस, मतलब एक जगह पे वो अपना मोडेम फिक्स करेंगे और वहाँ से आपको कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो पोर्ट एक्सेस सर्विस है और इंटरकनेक्शन सर्विस है ये टेक्निकल है। तो ये टेक्निकल नहीं हो सकता, क्योंकि टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल के अंदर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए प्लस ह्यूमन नेचर भी होना चाहिए, ह्यूमन इंटरवेंशन। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये जो पोर्ट एक्सेस है इसके अंदर आपने एक सिस्टम फिक्स कर दिया, एक आपका मॉडेम यहां पे फिक्स हो गया, फिर वहां से आप दूसरे को कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। एक बार ये फिक्स होता है उसके बाद ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है। तो उन्होंने बोला था कि ये टेक्निकल है, लेकिन कोर्ट ने डिसाइड किया ये टेक्निकल नहीं है, क्योंकि टेक्निकल के अंदर आईटी भी सर्विस आती है और ह्यूमन नेचर भी आता है। तो इसका ये मतलब है कि हम लोग का एक अनक्लियर वर्ड था टेक्निकल, तो हम लोग ने उसका मीनिंग मैनेजीरियल से लिया। आई बात समझ में? तो इसका जो है नॉसिटी और एसोसिएस जो वर्ड है, जो अनक्लियर वर्ड होंगे वो डिटरमाइन करेंगे कि उसके आसपास वाले जो वर्ड है उनका क्या मीनिंग है। दैट इज कॉल्ड नॉसिटी और एसोसिएस, ठीक है। एंड लास्ट वन, स्टेर डिसिसिस। स्टेर डिसिसिस मतलब टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, जो पहले से डिसाइड हो चुका है। डिसीजन लो इन अलाइनमेंट विद द प्रीवियस कोर्ट डिसीजन, पहले क्या हुआ था सेम केस में, उसका क्या डिसीजन आया था, वो डिसीजन के बेस पे आपको अभी का डिसीजन लेना है। आई बात समझ में? जो पहले डिसाइड हुआ था, अभी एग्जाम्पल के तौर पर कॉलेज है, कॉलेज में किसी ने किसी का रैगिंग किया तो उसको एक्सपेल किया 15 डेज के लिए, फिर एक साल के बाद वापस यही केस आया तो उसको 15 डेज का ही एक्सपेंशन मिला, मतलब एक्सपेल होगा वो। तो उस केस को देखकर हम लोग जो भी प्रोविजन है उसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है जो लॉ में यूज होते हैं, जनरल लॉ में भी यूज होते हैं, इनकम टैक्स में भी होते हैं, जो चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू याद आ सकता है, तो आपको ये वर्ड याद रखने हैं और इनका ये जो एक एक वर्ड का मीनिंग है वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ने क्या कंप्लीट किया कि पहले तो हम लोग ने देखा था कि इनकम टैक्स क्या होता है, फिर हम लोग ने देखा था कि इनकम टैक्स किस चीज़ों पे रन होता है, उसके कंपोनेंट क्या थे, फिर देखा था कि इनकम टैक्स के अंदर जब उसका लॉ हम पढ़ेंगे तो उसको समझने के लिए हम लोग को कौन कौन से रूल्स फॉलो करने, वो रूल्स हमने देखा था। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में इनकम टैक्स कैसे रन हो रहा है, उसके अंदर के क्या क्या, मतलब एक्चुअल में हम लोग कैलकुलेशन पार्ट, जो प्रैक्टिकल पार्ट आप बोलते हो, वो हम लोग देखेंगे। तो बाय द टाइम आप इसको गो थ्रू करो, ये थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा आपको क्योंकि इसमें वर्ड्स आ गए, लेकिन इसको एक दो बार आप देखोगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।